जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। कैसे पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवे में चेंजेस आए, कैसे मोदी सरकार के अंडर में इंडियन रेलवे डेवलप हुआ है, कैसे रेलवे स्टेशन डेवलप हुए, इतने डेवलप हो चुके हैं कि कुछ रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं है, कैसे डेली पैसेंजर जो ट्रेवल करते हैं उनमें एक इंक्रीज हुआ है डाटा में, कैसे इंडियन रेलवे किसी अनदर डेवलप कंट्री के रेल सिस्टम से कॉम्पीट कर रहा है, और क्या क्या नए प्लान है इंडियन रेलवे के, और किस तरीके से इंडियन रेलवे बदलते हुए भारत का एक नया इंडियन रेलवे सिस्टम बनता जा रहा है। तो आइए सारी चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं और बात करते हैं इन चीज़ों पे। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपके प्यार से शहर दिल्ली में रहता हूँ, मेरा नाम है शुभम। ये एक टाइम क्रोनोलॉजी, ठीक है, जिसमें बेस ईयर होगा 2014। 2014 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2014 में मोदी सरकार पावर में आई, ठीक है। तो अगर ये हमारा बेस ईयर है 2014, उससे 10 साल पहले में चेंजेस क्या आए इंडियन रेलवे में, और 2014 के बाद क्या चेंजेस आए 2024 तक इंडियन रेलवे में, हम पूरी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2014 पे। तो जान लेते हैं सबसे पहले 2014 से पहले इंडियन रेलवे नेटवर्क किस तरीके से था। जो रेलवे स्टेशन थे और जो ट्रेन थे काफ़ी आउटडेटेड थे, इन्हें काफ़ी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, जो कि थी नहीं। अगर हम बात करें कुछ डाटा पे तो 23 मिलियन यानी कि 2,30,00,000 लोग ट्रैवल करते थे और 7,000+ रेलवे स्टेशन थे। अगर हम बात करें किसी पैसेंजर को क्या सर्विस प्रोवाइड होती थी, उन्हें ट्रेन डिले, पुअर सर्विस, हाइजीन को फेस करना पड़ता था क्योंकि इतना साफ़ सुथरा होता नहीं था। अगर हम बात करें फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, वो भी काफ़ी इनएफिशिएंट था। तो जान लेते सबसे पहले फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। मान लीजिए एक आदमी वाराणसी शहर में रहता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, उसको अपना प्रोडक्ट दिल्ली में मालगाड़ी के थ्रू पहुँचाना है। जहाँ उसका प्रोडक्ट एक दिन में पहुँचना था, वो 2-3 दिन डिले होने के बाद पहुँचता है। फॉर एग्जांपल, उसका वेजिटेबल और फ्रूट्स का बिजनेस है और उसे अपना प्रोडक्ट दिल्ली पहुँचाना था। जहाँ एक दिन में पहुँचना था, वो 2-3 दिन में पहुँच रहा है, जिस वजह से क्या है, डिले होने के कारण जो फूड है, उसके वेजिटेबल्स है, फ्रूट वेजिटेबल्स, वो खराब हो सकते हैं, एक्सपॉइल कर सकते हैं, खराब महक सकते हैं, जिस वजह से उसके इकोनॉमिक्स में डिपेंड करता है, जो उसमें भी काफ़ी असर पड़ेगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट सही पहुंचेगा नहीं तो जो कस्टमर है जो दिल्ली में बैठा वो उसे बाय नहीं करेगा, जिस वजह से उसके मतलब इकोनॉमिक में भी असर पड़ेगा। दूसरा, टोटल देखें तो इंडियन इकोनॉमिक में भी असर पड़ेगा। अगर हम इसको इंडस्ट्रियल वेज में लेके जाए, फॉर एग्जांपल एक बंदा दिल्ली में रहता है, उसका इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, और एक बंदा मुंबई में बैठा है, उसके स्टील्स का वेट कर रहा है कि उसकी जो स्टील्स है या जो उसके प्रोडक्ट्स है वो आएंगे और उसे वो अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा। जहाँ कंस्ट्रक्शन सेकेंड डे में स्टार्ट होना था, एक दिन का ट्रैवलिंग पहुँच के मालगाड़ी के थ्रू, अगर वहीं कंस्ट्रक्शन डिले हो रहा है तो इससे क्या है, उनको जो मतलब डीलिंग थी, अगर मतलब कहीं जो बिजनेस स्टार्ट करना था या जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना था उसमें डिले होगा, अगर उसमें डिले होगा तो उनकी जो मतलब आउटकम्स मनी इनकम आएगी उसमें डिले होगा, जिस वजह से इकोनॉमिक्स में जो दिल्ली में बेटर प्रोडक्ट सेल कर रहा था उसको भी होगा, और जो बंदा बिजनेस करके उस इंडस्ट्री को बना रहा था, मैन्युफैक्चर कर रहा था बिल्डिंग, उसको भी डिले होगा। तो ओवरऑल जो इंडियन रेलवे नेटवर्क था 2014 से पहले, उसके डिले होने के कारण इंडियन इकोनॉमिक में काफ़ी असर पड़ता था। अगर हम बात करते हैं 2014 के बाद से लेके अभी 2024 तक, जो कि मोदी सरकार जी के अंडर में इंडियन रेलवे नेटवर्क में जो भी चेंजेस आए हाइजीन से रिलेटेड, और जो टाइम पीरियड, जो जिस तरीके से टाइम डिले में जो पहले था अभी कितना चेंजेस आया, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को हम जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं 2014 के बाद से लेके। मोदी सरकार 2014 में पावर में आई और मोदी सरकार ने इंडियन रेलवे में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए। आइए हम कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2017 में आया था। इसमें 400 से ज़्यादा इंडियन रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना था, जिसमें से अभी तक 150+ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास मॉडर्नाइज बना दिया गया है, जिसमें से गांधीनगर, अयोध्या। आइए हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड है बायो टॉयलेट। आज हर ट्रेन में बायो टॉयलेट को इंस्टॉल किया गया है ताकि सैनिटेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बायो टॉयलेट होता है क्या। अगर हम 2014 से पहले देखें, जो हमारा वेस्ट होता है वो डायरेक्ट ट्रैक पे गिर जाता था, जिससे हमारा एनवायरनमेंट और हाइजीन को असर करता था और टूरिज्म को भी असर करता था। लेकिन अब जो बायो टॉयलेट प्रोसीजर को इंस्टॉलेशन किया गया है हर ट्रेन में, उसमें होता क्या है, आइए समझ लेते हैं। जो आपका वेस्ट होता है वो सीधे एक कंटेनर में गिरता है और उसमें
स्पेशली डिजाइन किए हुए बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है जो कि उस वेस्ट को डिकम्पोज करके मीथेन और अनदर फ्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, हाइजीन इशू से भी मतलब जो पैसेंजर है वो सेफ है, और दूसरा जो टूरिज्म है उस पर भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करता है, ऐसे ट्रैक में गंदे तरीके से वो वेस्ट दिखाई देता नहीं है। तीसरा है इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर हम बात करें 2014 से पहले इंडियन रेलवे नेटवर्क में डीजल से रिलेटेड भी ट्रेन चलते थे जो डीजल पे चलते थे और इलेक्ट्रिफाइड भी थे, लेकिन 40% ही टोटल इलेक्ट्रिफाइड थे 2014 से पहले जो कि बिजली से चलते थे। बट अभी तक 85% से ज़्यादा अचीव कर चुके हैं पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क, पूरा रेल नेटवर्क है जो, लेकिन जो अभी अचीवमेंट है वो 100% की गोल की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ डाटा के ऊपर, जो फोर्थ है हाई स्पीड ट्रेन। आपको पता है 2014 से पहले जो ट्रेन नेटवर्क था, रेल नेटवर्क था, वो उतने स्पीड वाले होते नहीं थे कि जो एक टाइम में काफ़ी जल्दी पहुंचा दे, फास्टेस्ट ट्रेन नहीं होते थे। लेकिन 2014 के बाद काफ़ी नए लोकोमोटिव, काफ़ी नए इंजन के साथ, डबल डेकर के साथ काफ़ी चेंजेस आए ट्रेनों में, जिस वजह से स्पीड काफ़ी बदला है। फॉर एग्जांपल वंदे भारत, अमृत भारत और ऐसे काफ़ी ट्रेन भी आते हैं जिस वजह से फास्टेस्ट ट्रेन नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। इस सरकार ने इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहला, इन्वेस्टमेंट। मोदी सरकार के अंडर रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2023 तक 10 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सर्विस को इम्प्रूव करने में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसमें क्या है कि काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाया गया, जैसे कि ईएसआरटी, ई टिकटिंग, वाईफाई एट स्टेशन, इन सबको बढ़ावा इसलिए दिया गया क्योंकि अभी 90% से ज़्यादा टिकट ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, जिससे पैसेंजर को घंटों भर लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़े। चौथा है सेफ्टी मेजर। अभी क्या है कि TCAS को इम्प्लीमेंट किया गया है ट्रेन नेटवर्क में, जिससे क्या एक्सीडेंट ना हो सके। TCAS में क्या होता है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो लोकोमोटिव होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है, उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लगाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कोलाइड ना हो सके, एकदम से टकरा ना जाए, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए। जैसे एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन में आ रही है, पहले क्या होता है कंट्रोल नहीं होता है, अगर मतलब इंजन मतलब ब्रेक फेल हो गया तो कोलाइड कर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है। अब क्या ऑटोमेटिक है, आप जैसे एक लिमिट डिस्टेंस के क्लोज आओगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। अब ये सिस्टम काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। आने वाले वक्त में इंडियन रेलवे के कुछ एम्बिशियस प्लान और गोल्स है, जैसे कि पहला है बुलेट ट्रेन जो कि 2026 तक आ जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगा। दूसरा है सोलर पावर, जो अभी इलेक्ट्रिफाइड है इंडियन रेलवे नेटवर्क, वो सोलर पावर पे भी डिपेंडेंस अपनी फ्यूचर में दिखाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रिफिकेशन, जो अभी इंडियन रेलवे 85% से ज़्यादा इलेक्ट्रिफाइड है, वो 100% तक हो जाए, इस चीज़ पे फ्यूचर में काम होगा। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है। जहाँ इंडियन रेलवे का एनुअल रेवेन्यू 2014 में 1.5 लाख करोड़ का था, वहीं आज 2024 में 2.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। हमने जो बात की है 2014 से पहले इंडियन रेलवे नेटवर्क, 2014 के बाद का इंडियन रेलवे नेटवर्क, ये चीज़ें तो हमने जान ली। अगर हमें हमारे इंडियन रेलवे नेटवर्क को और इम्प्रूव करना है और बढ़ाना है, तो हमें कुछ इनिशिएटिव अपने तरफ से लेने होंगे। पहला है सेफ्टी मेजर करना होगा, और दूसरा है हाइजीन। अगर हम खुद से साफ़ सुथरा रखेंगे प्लेटफॉर्म, ट्रेन को गंदा ना करें, तो इससे हमारे नेटवर्क में, ट्रेन नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा, अगर कोई ट्रैवल करे बिना टिकट के, तो आपको उसको रोकना होगा, खुद भी बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।